हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 14 अप्रैल 2019 की करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? ए 11 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 12 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12 अप्रैल को। तो सी इसका राइट आंसर है, 12 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड पर जानकारी साझा करने का निर्देश किसने दिया है? ए चुनाव आयोग ने, बी सुप्रीम कोर्ट ने, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुप्रीम कोर्ट ने। तो बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किसने अपना पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया है? ए नासा, बी इसरो, सी स्पेस एक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्पेस एक्स। इसका राइट आंसर है सी है। नासा के बारे में बता देता हूँ, नासा क्या है। नासा को आप जानते होंगे, नासा एक अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसरो एक भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। और स्पेस एक्स की फुल फॉर्म होती है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। वापस रिपीट कर देता हूँ, स्पेस एक्स की फुल फॉर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉरपोरेशन। यह भी एक अमेरिका की निजी कंपनी है, मतलब ये एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता कंपनी है जो अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। और इसके संस्थापक की बात पूछी जाए फाउंडर की, तो इसके फाउंडर है एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों का विदेशी निवेश कितने प्रतिशत बढ़ा है? ए 11%, बी 23%, सी 17%, डी 18%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 18%। डी इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और भारतीय रिजर्व के वर्तमान गवर्नर जो 25वें गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। पूछा जा सकता है कौन से नंबर के थे, तो वो थे 24वें नंबर के। कौन से? 24वें। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 21वें आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए जकार्ता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, नई दिल्ली में। सी इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। जकार्ता की बात कर ले, जकार्ता जो इंडोनेशिया की कैपिटल है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी की बात की जाए तो है रुपया। और नई दिल्ली ये भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। और मुंबई भी भारत में पड़ता है जो मुख्य शहर है, और आप जानते हो व्यावसायिक शहर भी बोला जाता है। अगर भारत की व्यावसायिक राजधानी की बात की जाए तो कौन है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस द्वारा वर्चुअल रियलिटी सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए गुरुग्राम, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छठे का राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। मुंबई के बारे में बता दिया है, ये भारत का सबसे ज़्यादा मतलब वित्तीय कंपनी है, मतलब वित्तीय शहर है। और भारत की राजधानी भी, अगर भारत की वित्तीय राजधानी पूछी जाए तो मुंबई है, और भारत की राजधानी पूछी जाए तो नई दिल्ली है। और गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है, एक मुख्य शहर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ए गार्गी कोल, बी शिवदास, सी एनी नुरेनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्गी कोल को। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका।
प्रश्न नंबर आठवां, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का 64वां रेलवे सप्ताह कब आयोजित किया गया है? ए 12 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आठवां राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? ए उमंग गर्ग, बी विमल शेखर, सी शिवा रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिवा रेड्डी। ये कल हमने कल की करंट अफेयर की क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, जो मैंने बताया था कि शिवा रेड्डी जो एक तेलुगु राइटर है जिन्हें उस 2018 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। इससे पहले अगर 2017 का पूछा जाए तो सुधांशु यशचंद्र को दिया गया था, जो उन्हें गुजराती भाषा के लिए दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में जिन मिशेल लेपिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है? ए मोरक्को, बी हेती, सी चिली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, हेती। अब मोरक्को की बात कर लेते हैं। मैं आपको मोरक्को, हेती, चिली तीनों की कैपिटल और करेंसी बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पूछा जाता है। मोरक्को जिसकी राजधानी है रबात, मोरक्को की अगर करेंसी की बात की जाए तो वो है मोरक्कन दिरहम। और जो मोरक्को वह एक अफ्रीकी कंट्री है, जो अफ्रीकी में स्थित एक देश है। हेती, हेती की बात कर लेते हैं। हेती की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, हेती कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस। और हेती की करेंसी की बात की जाए तो वह हेतियन गोर्डे, हेतियन गोर्डे है। हेती एक है नॉर्थ अमेरिका में स्थित एक कंट्री है। चिली, चिली की पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम में आ चुका है। चिली की कैपिटल सेंटियागो। और चिली की अगर करेंसी की बात की जाए तो वह चिलियन पेसो। चिली साउथ अमेरिका में स्थित एक कंट्री है। तो 10वें का राइट आंसर क्या है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, हाल ही में जलियांवाला बाग का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी एम वेंकैया नायडू, या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी, एम वेंकैया नायडू। 11वां राइट आंसर है सी। मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, और रामनाथ कोविंद जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, और जो एम वेंकैया नायडू है वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। जलियांवाला बाग के बारे में जानते होंगे। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने मतलब अंधाधुंध गोली चला दी थी अंग्रेज़ों के नेतृत्व में। इसी की याद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के याद में ही भारत के उपराष्ट्रपति ने स्मारक सिक्का जारी किया है, स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11वें का। क्वेश्चन नंबर 12वां, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेयर बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन बना है? ए हांगकांग, बी अमेरिका, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हांगकांग। अमेरिका के बारे में आप जानते होंगे, अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका की करेंसी पूछी जाए तो वह है डॉलर। चीन के बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। चीन जिसकी कैपिटल है बीजिंग, चीन जिसकी करेंसी है येन या रेनमिन्बी भी बोलते हैं, और चीन जिसके कैपिटल है बता दिए बीजिंग है, और चीन के जो राष्ट्रपति वो है सी जिनपिंग, और हांगकांग की करेंसी भी डॉलर है, और हांगकांग की कैपिटल पूछी जाए तो हांगकांग की सिटी है, और जो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है हांगकांग, जो हांगकांग है ना चीन की एक वित्तीय सिटी है जिसको फाइनेंस कैपिटल भी बोला जा सकता है। दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर यह क्लास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।